Now next one, write a power function that will calculate a raised to p power b. इस similar kind of logic implement किए थे during loops. अगर आपको power का logic clear नहीं, सबसे पहले आप loops के केस में power को calculate करने का logic watch करोगे. After that इस program को आपके लिए complete करना. पहले से यहाँ मेरा intention क्या है, only powers के logics को functions के form में convert करना. Here we want to creating some power functions. As we know, according to function name, we are creating function as power. पावर सी लैंग्वेज के अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शन भी, लेकिन इस केस में क्रिएट करना है यूजर डिफाइंड फंक्शन. प्रीडिफाइंड फंक्शन का नेम क्या, ओनली POW मींस पावर. इन दैट केस हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, टू इनपुट्स ए एंड बी, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेटिंग ए रेट टू बी पावर बी. सपोज दैट इफ वैल्यू ऑफ ए इज 3, वैल्यू ऑफ बी इज 4, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, मीन सिमिलरली मीन्स लाइक दैट ए रेज टू द पावर बी मीन हियर ए इज अ 3, देन दैट्स वाई 3 raised to the power 4. How to implement it? Means inputs कितने required in case में? 2 inputs. Integer a, comma integer b. Or in place of a, we are using number. In place of b, we are using power. Means p. इसका meaning क्या हुआ? It is equivalent to number to the power p. In that way. देन इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रिटर्न टाइप एज इंटीजर. सिंपली इस केस में लूप कंस्ट्रक्ट करना है, 3 टू द पावर 4 कैलकुलेट करना है मींस p टाइम्स. देन कैलकुलेट क्या करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, हाउ मेनी टाइम्स. इफ वैल्यू ऑफ p इज 4, देन यूज क्या करेंगे, 4 टाइम्स, 1 2 3 4. इन दैट केस सिंपली रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए सेपरेट वैल्यू क्रिएट कर लेंगे एज अ रिजल्ट विद इनिशियल वैल्यू इक्वल्स टू 1. इस केस में एक लूप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जो कि 1 से लेकर 4 टाइम्स चलाना. 4 टाइम मींस p टाइम्स, 4 i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 4. 4 के प्लेस पर यूज क्या करेंगे, p टाइम्स, अदरवाइज स्टैटिक हो जाएगा. p टाइम्स i लेस देन इक्वल्स टू p एंड i प्लस प्लस. नेक्स्ट वन, एवरी टाइम कैलकुलेट क्या करना है, सिंपली रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर. इस नंबर के लिए पावर कैलकुलेट करना है सिंपली. प्लस इस केस में एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया जाए आई, देयरफॉर वी आर डिक्लेयरिंग वन मोर वेरिएबल एज आई, फाइनली रिटर्निंग रिटर्न रिजल्ट. दिस आर लॉजिक्स ऑफ कैलकुलेटिंग पावर फंक्शंस.